हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिज़िक्स क्लास। स्टूडेंट्स, आज मैं यहाँ पे जो हमारा फाइनल ईयर का टॉपिक हो गया था मॉलिकुलर स्पेक्ट्रा, उससे आगे नेक्स्ट करवा रही हूँ रोटेशनल स्पेक्ट्रा। ये हमने देख लिया था कि मॉलिकुलर स्पेक्ट्रा जो है वो मॉलिक्यूल्स की वजह से जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और मैटर के बीच में जो इंटरेक्शन होती है उसको हम मॉलिकुलर स्पेक्ट्रा बोलते हैं। उसके अंदर हमने बहुत सारे रीजंस देखे थे जिसके अंदर वो लाई कर रहा था। उसके अंदर हमने कहा था कि हम तीन ही रीज़न जो हैं हमारे उनको पढ़ेंगे, यानी तीन ही स्पेक्ट्रा पढ़ेंगे। कौन कौन से थे वो? हमारे रोटेशनल स्पेक्ट्रा, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा और इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा। ठीक है, जो हम सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं वो है हमारा रोटेशनल स्पेक्ट्रा। तो रोटेशनल स्पेक्ट्रा किसकी वजह से आया था? ये माइक्रोवेव रीजन के अंदर था, जो कि मॉलिक्यूल्स की रोटेशंस की वजह से हमारे पास आता है। और एक चीज़ ध्यान में रखना कि ये मॉलिक्यूल जो रोटेशनल स्पेक्ट्रा है वो वही मॉलिक्यूल शो करते हैं जिनके अंदर परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है। जिनके अंदर नहीं होता ये वो रोटेशनल स्पेक्ट्रा नहीं शो करते हैं। ठीक है, तो इसकी एनर्जी लेवल्स निकालने के लिए हमने क्या किया? हमने दो एटम्स ले लिए, डायटम मॉलिक्यूल्स ले रखे हैं। ठीक है, तो हमने दो एटम्स ले लिए, एक का मास M1 ले लिया, एक का M2 मास ले लिया। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास बीच में सेंटर ऑफ मास ले लिया, जिसका यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस तो कितना हो गया? पूरा का पूरा R। ठीक है, और इस और सेंटर से यहाँ से इस मास M1 का डिस्टेंस हो गया R1, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो गया? आपका R2 हो गया। ठीक है, और ये कहता है कि अगर ये हमारे पास इतना है तो सेंटर ऑफ मास के अगर पोजीशन वेक्टर बताएं तो पोजीशन वेक्टर के अकॉर्डिंग हम कितना होएगा? M1 R1 प्लस में M2 R2 अपॉन में दोनों का मास। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया? इसका पोजीशन वेक्टर हो गया। ठीक है, सेंटर ऑफ मास के रिगार्डिंग। अब ये कहता है कि अगर ये सेंटर ऑफ मास जो आप लेके चल रहे हो ये वाला, अगर ये सेंटर पे होता तो इसका मतलब ये R हमारे पास क्या हो जाता? यहाँ पे जीरो, R जीरो हो जाता तो ये पूरा का पूरा मास इसके नीचे चला जाता, तो ये कितना हो जाता? M1 R1 प्लस में M2 R2 इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, और इसको अगर यहाँ पे सॉल्व करते पूरा तो M1 R1 इज इक्वल टू माइनस में M2 R2 हमारे पास हो जाता। ठीक है, अगर हम इसको मैग्नीट्यूड फॉर्म में लेके चले तो ये माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो M1 R1 इज इक्वल टू M2 R2 हमारा हो जाएगा। और R1 किसके इक्वल हो जाएगा? M2 अपॉन में M1 इंटू में R2। ठीक है, अब ये कहता है कि ये तो आपकी वैसे R1 की फॉर्म R2 के अंदर आई है, लेकिन हमें ये पता है कि पूरा R हमारा किसके इक्वल था? ये जो पूरा था सेंटर ऑफ मास की उसमें रेडियस दोनों मासेस के बीच में वो R है, लेकिन हमने जब ये सेंटर ऑफ मास लिया था तो दोनों को डिवाइड कर दिया था, तो यानी कि ये पूरा R किसके इक्वल है? R1 प्लस में R2 के इक्वल है। अगर ये इसके इक्वल है तो R किसके? R1 की वैल्यू आप निकाल चुके हो। ठीक है, हमने ये वैल्यू इसके अंदर पुट कर दी, तो ये R2 कॉमन है, तो कॉमन ले लिया, 1 प्लस में M2 / M1 इंटू R2 हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो R की वैल्यू हमारे पास M1 प्लस में M2 अपॉन में M1 इंटू में R2 हो गई। तो लेकिन चाहिए तो R1 और R2 की वैल्यू थी किसकी फॉर्म में? हमारी इस टोटल R की फॉर्म में। ठीक है, तो ये हमारे पास कितनी हो गई? यहाँ पे हमारी R2 इज इक्वल टू, इसको यहाँ पे ले जाएंगे तो M1 R1 अपॉन में M1 प्लस में M2 हमारे पास हो जाएगा। इसी तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं? हमारी जैसे ये हमने R1 की फॉर्म में करके R2 की वैल्यू निकाली, इसी तरीके से यहाँ पे हम R2 को इधर करके और सारा का सारा किसकी फॉर्म में निकाल सकते हैं? R1 की फॉर्म में भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब ये देखो कि हम जब ये करते थे ना कि भाई हमारे पास ये तो एक्सिस हो गई, ये यहाँ पे हमारे पास मॉलिक्यूल्स है जिसका डिस्टेंस इस एक्सिस से इतना है, तो हम यहाँ पे ये क्या कर रहा है? यहाँ पे रोटेट भी कर रहा है, तो यानी कि ये क्या शो कर रहा है? यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कर रहा है, तो यानी कि यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? मोमेंट ऑफ इनर्शिया को भी एक्ट करवाएंगे। ठीक है, अब ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास इन दोनों एटम के ऊपर लगेगा, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? I = mR², तो ये दोनों अगर इसके ऊपर लग रहे हैं तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन दोनों का सम हो जाएगा। वो हम कैसे लिखेंगे? तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास कितना हो गया? I = m1 r1² प्लस में m2 r2². ठीक है, आपने क्या कर रखा है यहाँ पे? R1 और R2 दोनों की वैल्यू अभी फाइंड आउट करी है। ठीक है, R1 की वैल्यू कितनी है आपकी? m2 r/m1 + m2। ठीक है, इसी तरीके से R2 की वैल्यू कितनी है आपकी? m1 r/m1 + m2। तो यही वैल्यू हम क्या करेंगे यहाँ पे? इसकी पुट भी करेंगे, तो यहाँ पे ये वैल्यू पुट अप करने के बाद हमारे पास कितना हो जाएगा? m1 m2² r² / m1 + m2² + m
एम टू एम वन का होल स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन में एम वन प्लस में एम टू का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको पूरा सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वो आएगा आई इज इक्वल टू एम वन एम टू अपॉन में एम वन प्लस में एम टू इंटू में आर का स्क्वायर। अब ये पता है कि ये दोनों हमारे पास इन दोनों मासेस की वजह से, तो ये क्या है, रिड्यूस मास ही तो है हमारा, ठीक है, टोटल सिस्टम का रिड्यूस मास। तो ये कितना हो जाएगा आपका आई इज इक्वल टू म्यू आर का स्क्वायर, ठीक है। अब जब हम ये केस लेके चलते हैं तो हमारे पास रोटेशनल एनर्जी ऑफ सिस्टम भी आती है। रोटेशनल एनर्जी हमारे पास कितनी होती है, ई इज इक्वल टू हाफ ऑफ आई ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। आई क्या है यहाँ पे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। तो इसके उस पर हमारे पास एंगुलर मोमेंटम भी, जैसे लीनियर मोमेंटम आता है इसी तरीके से ये भी आ जाता है हमारा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, एल इज इक्वल टू हमारे पास आई ओमेगा, ठीक है। आई ओमेगा अगर इसके इक्वल है तो ओमेगा की वैल्यू कितनी होगी, एल बाई आई, ठीक है। अब अगर ये इसकी वैल्यू थी तो पूरी टोटल एनर्जी किसके इक्वल होगी, ई इज इक्वल टू हाफ ऑफ आई इंटू में ओमेगा का स्क्वायर, ओमेगा एल बाई आई के इक्वल था तो एल स्क्वायर बाई आई स्क्वायर, एक आई से एक आई कैंसिल हो जाएगा तो ई इज इक्वल टू एल स्क्वायर बाई आपका कितना हो गया यहाँ पे, 2i हो गया, ठीक है। तो अब ये पता है कि L इज इक्वल टू, अगर इसको क्वांटम उसमें लेके चलेंगे क्वांटम मैकेनिक्स, तो L इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ L इंटू L प्लस में 1h कट होता है ना, तो इसी तरीके से हम इसको टोटल उसमें लेके चलेंगे एंगुलर मोमेंटम, तो टोटल के केस में हमारे पास कितना हो जाएगा, L इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ J इंटू J प्लस में 1 इंटू h कट। लेकिन यहाँ पे तो L का स्क्वायर है ना, तो इसके अगर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, स्क्वायर तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और h कट का कितना हो जाएगा, स्क्वायर। तो ई जे इज इक्वल टू J इंटू J प्लस में 1 एच कट का स्क्वायर अपॉन में 2i, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास जो एनर्जी लेवल बना, तो J की वैल्यू 0, 1, 2, 3 इस तरीके से पुट कर देंगे। अगर 0 पुट कर दी तो एनर्जी लेवल तो ये पूरा ही 0 हो गया, 1 पुट कर दिया तो 1 इंटू में ये 2 हो जाएगा, तो 2 एच कट का स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू आई, आई कितना होता है यहाँ पे, रिड्यूस मास के साथ म्यू आर का स्क्वायर हो गया। तो यही हमने इसका किया है, इस तरीके से हम इसके एनर्जी लेवल्स बता देते हैं, ठीक है। अभी ये कहता है कि इतना तो पता चल गया कि भाई हमारे पास ये इस तरीके से आ रहा है, ठीक है। तो इसका हमारे पास क्या हो गया यहाँ पे, जो सेलेक्शन रूल हो गया, तो सेलेक्शन रूल हमारे पास कितना हो गया रोटेशनल ट्रांजिशन का, डेल जे इज इक्वल टू जे, डेल जे इज इक्वल टू प्लस माइनस में 1, ठीक है। अगर ये हमारे पास इसका सेलेक्शन रूल है तो फास्टली इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि ये पूरा टॉपिक कंप्लीट करवाना है, ठीक है। तो अगर इसका इतना है तो J और एक उससे या तो ज़्यादा वाला ले लो या एक उससे कम वाला ले लो, क्योंकि प्लस माइनस वन के ही उसमें रहना चाहिए ये, ठीक है। तो इसके लिए हमने ट्रांजिशन जो है वो हमने किसकी इनिशियल स्टेट तो J ले लिया और फाइनल स्टेट उससे लोअर वाला कितना ले लिया, J माइनस में 1 वाला ले लिया, ठीक है। तो टोटल एनर्जी भी उसी के उस पर निकाली जाएगी। तो एनर्जी आपको पता है चेंज इन जो एनर्जी के बीच, जो दो लेवल्स के बीच की एनर्जी है वो तभी चेंज होती है जब उनका डिफरेंस किसके इक्वल हो जाए, एच न्यू के, ठीक है। तो वो चेंज हमारे पास कितना हो गया, ईजे माइनस में ईजे माइनस 1, ठीक है। एच न्यू आपको पता है ईजे का आंसर वो कितना आया था आपका फॉर्मूला, ईजे का हमारे पास आया है मतलब एनर्जी जे, तो उसमें तो ये कितना है, जे इंटू जे प्लस में 1 एच कट का स्क्वायर बाई 2i, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कितना हो गया, जे इंटू जे प्लस में 1 एच कट का स्क्वायर अपॉन में 2i, आई यानी कि म्यू आर स्क्वायर, ठीक है। माइनस में ये जे माइनस में 1 है, उसी के रिगार्डिंग हमारे पास ये भी चेंज हो गया, ये हमने सॉल्व कर लिया। सॉल्व करने के बाद हमारे पास कितना आया, एच न्यू इज इक्वल टू जे एच कट का एच का स्क्वायर अपॉन में 4πi स्क्वायर i, ठीक है। एक एच से एक एच कैंसिल, तो जो फ्रिक्वेंसी आई है हमारी फ्रीक्वेंसी वो कितनी होगी, जे एच अपॉन में 4πi स्क्वायर आई, ठीक है। अब ये कहता है अगर हम इसको न्यू नॉट मान लें तो ये हमारे पास ये भी हो जाएगा, और अगर हम ये कहें फॉर एनर्जी लेवल ऑफ रोटेटर, तो एनर्जी लेवल कैसे निकाली जाएगी, एफ जे से डिनोट होगी, जो कि आपकी एनर्जी निकली है उसको एच जे से डिवाइड कर दो। आपकी एनर्जी तो इतनी निकली थी ना, जे इंटू जे प्लस में 1 एच कट का स्क्वायर अपॉन में 2i, इसको एच जे से डिवाइड कर दो, ठीक है। एच जे से डिवाइड करने के बाद ये हो जाएगा एच कट का स्क्वायर को एच कट को एच अपॉन में 2πi लिखेंगे, तो एच कट का स्क्वायर को सॉल्व करेंगे तो एच का स्क्वायर अपॉन में 4πi आ जाएगा, जिसको और 4πi को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8πi आ जाएगा, ठीक है, पाई स्क्वायर, ठीक है। तो एच का स्क्वायर अपॉन में 8πi का स्क्वायर आई एच सी और जे इंटू जे प्लस में 1, एक एच से एक एच आपका कैंसिल हो गया, एच अपॉन में 8πi स्क्वायर आई सी,
ठीक है, हमारे पास इंटू जे इंटू जे प्लस में वन, तो ये जो फैक्टर होता है ना, ये वाला, इसको बोलते हैं हम रोटेशनल कांस्टेंट, जिसको बी से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो पूरा हमारे पास कितना हो गया, ई इज इक्वल टू बी जे इंटू जे प्लस वन। ठीक है, अब ये कहता है कि ये तो आपका आ गया बी इंटू जे प्लस में वन, तो यहाँ पे भी क्या करनी पड़ेगी, हमने जे की वैल्यू पुटअप कर दी। ठीक है, ये कहता है जे की वैल्यू 0, 1, 2, 3, इस तरीके से जब आपने पुट करी तो आपके पास आया 0, 2b, 6b, 12b एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये कहते हैं इतना तो आ गया, लेकिन ये जो लेवल्स है इनके बीच का डिफरेंस देखो, यहाँ पे तो ये कितना हो गया 2b। ठीक है, 2b से 6b के ऊपर गए तो 4b, 6b से 12b पे गए तो 6b आ गया, लेकिन इन ट्रांजिशंस के बीच की खुद की कितना डिफरेंस है, 2b से 4b यानी कि 2b का डिफरेंस, 4b से 6b यानी कि 2b का डिफरेंस, 6b से 8b आ जाएगा यानी कि कितना, 2b का डिफरेंस। तो इसका मतलब ये क्या कह रहा है कि डायटोमिक के उसमें जो ये ट्रांजिशन हो रही है ना, ये तो हमारी सेम इक्वल इक्वल उसमें नहीं आ रही इंटरवल में, लेकिन इनके बीच का जो इंटरवल होता है वो हमेशा क्या होता है, कॉन्स्टेंट रहेगा, जो कि कितना रहेगा, 2b रहेगा। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास आता है, ये तो हमने जो किया है अभी वो रोटेशनल एनर्जी निकाली थी इन केस किसके अंदर, आपका ये निकाली थी अभी हमने रिजिड रोटेटर के केस में। ठीक है, अब किसके अंदर निकाल रहे हैं, नॉन रिजिड रोटेटर के केस में कर रहे हैं। ठीक है, तो नॉन रिजिड रोटेटर के अंदर आपको घबराना नहीं है, सिर्फ एक और एडिशनल टर्म हमारे पास यहाँ पे ऐड हो जाती है, डी वाली। ठीक है, और इस फैक्टर का क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, आपके पास बी जे इंटू जे प्लस में वन था, ये डी जे का स्क्वायर इंटू जे प्लस वन का होल स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से जो आपका रोटेशन का इसके अंदर आएगा वो भी कितना हो जाएगा, एफ जे प्लस में वन माइनस में जे कर दो, मतलब क्या है कि आपकी ऊपर वाली रोटेशन, उससे ट्रांजिशन नीचे वाले के ऊपर करवानी है, तो वो आपकी मर्जी है, आप जे से जे माइनस वन के ऊपर करवा रहे हो या जे प्लस वन से लेके जे तक करवा रहे हो। ठीक है, तो दोनों में से कोई सी भी ले सकते हैं, तो इसी तरीके से हम इसकी ट्रांजिशन भी बता सकते हैं, और सिलेक्शन रूल हमारा सेम वही रहेगा जो हमारा किसके केस में रहता है, जो अभी रोटेटर वाले के केस में लिया था हमने। ठीक है, तो ये हमारे पास पूरा टॉपिक था हमारा किसके लिए, रोटेशनल स्पेक्ट्रा के लिए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।